गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कमरे की लोकेशन को देख के आप वापस से पहचान गए होंगे कि मैं पहुंच चुका हूं वापस घर। शादी में गए, ढेर सारा एंजॉय किया। नाचे भी गाए भी, लेकिन एक बात थी कि शादी जो थी ना वो दिनों दिन थी। तो ऐसे मैं सुबह बारात में गए थे और शाम को हम लोग आ गए वापस, और वापस आने के बाद फिर घर में हो गए भाई, खेत के काम शुरू। तो ऐसे मैं इन्होंने कॉल कर दिया था। इतने सैड होके क्यों बैठे हो? नहीं मैं क्या बैठी हूँ। इन्होंने कॉल कर दिया था कि आ जाओ घर में, अब अकेले ये सारी की सारी चीजें संभालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कैफे में फिलहाल करण भाई को छोड़ा है और यहाँ पे घर में खुद का देखना पड़ेगा। एक तो अकेला इंसान जाए तो जाए कहाँ, और साथ ही साथ मैं दीक्षु को भी आए, बड़े दिन हो गए तो अब चलना था सरकार। आपका वेट कर रही थी मैं, आप आओगे तभी। कोई नहीं, मैं छोड़ने को भी जाऊंगा। इबू, वैसे इबू से मैं मिल लिया हूँ, बट आप लोगों को मिला देता हूँ। इबू सोगी वापस से। और बताओ सब ठीक ठाक? बढ़िया चल रहा है। तो कल रात जब वापस मैं लौट रहा था तो पूरा एक दिन, मतलब आप मान के चल सकते हैं, लग जाता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। मैंने कहा फिर गाड़ी में क्या ही व्लॉगिंग करूंगा यार, जाके सीधे व्लॉग करता हूँ अपने घर में। फिलहाल मॉर्निंग का खाना जो सीधा साधा यहाँ पे लग चुका है, और साथ में शुई मुई भी यहाँ पे पास में ही सो रही है, बिल्कुल एक ऐसे जैसे कि गुड़िया सोई होती ना हल्की सी। और दीक्षु बोलती है कि ऊपर पापा और मम्मी की फोटो लगी है ना, इसको देख देख के ये हंसती रहती है क्या? हाँ सच में, ऐसे मतलब एक ऐसे देखती फिर हंसती, ऐसे देखती मम्मी को पूछा सुबह ऐसे कर रही थी। चलो अभी सोया है, बट जब भी ऐसे करती है ना, क्योंकि इसकी नजरें बच्चों के ऊपर ही रहती है ना, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये है, तो बस देखती रहती है। अब हस्ती क्यों है ये तो भगवान जाने या फिर शुई मुई जाने। खेत को जाना था दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं कि हल्का हल्की बारिश जो शुरू हो चुकी है और आसमान ऊपर से पूरा गूंज रहा है भाई, कड़कड़ कड़कड़ करके। पता नहीं कब तक ये बारिश रुकेगी या नहीं। और आपको फनी बात बताऊं, जब मैं वीडियो को ऐसे दिखा रहा था ना, मतलब ऊपर की तरफ कैमरा करके, यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगा और पजामा चला गया भाई। चलो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं बारिश का। और इधर तेज बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं। हेलो रिया। हेलो। कब है एग्जाम? एग्जाम पर सॉरी, ये क्या हो गया? कम से कम अपनी तरफ ध्यान दे लिए करो, आपको पता भी है कुछ क्या? मेरे को पता है, थोड़ा सा फटा है वो बाहर जब मैं वीडियो बना रहा था। ये क्या है? नया पजामा दे दो मेरे को, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया भी था अभी। कब एग्जाम कब लग रहे हैं तुम्हारे? मेरे एग्जाम लग पड़े परसों है एग्जाम। परसों है? फिर छुट्टी कब मिलेगी? छुट्टी एक मंथ बाद। फिर उसके बाद फ्री हो ना सारे के सारे लोग? वैसे स्टडी भी सबकी कंप्लीट होगी, अब सबकी शादियां करवाऊंगा मैं तो। ऐसा मैं फन फन में बोलता रहता हूँ, पर सच में पल्लू की स्टडी भी हो चुकी है और साथ में कवि की भी स्टडी होगी, वो भी चंडीगढ़ से वापस आ रही है। अब पता नहीं आगे वो क्या बोलती है क्या नहीं, कि कहां तक करनी है स्टडी, बट फिलहाल के लिए अब घर आ रहे हैं सारे के सारे लोग, वो भी प्रॉपर फ्री होके। और जब से मैं घर में बाहर रहता हूँ ये जनाब भी आजकल भूल गया। हेलो करना कोको, हेलो करना, ये कौन सा तरीका तेरा हेलो करने का? ऊपर चढ़ के पीछे से हेलो कर, पीछे से हेलो कर। कोको नो, हेलो हेलो, सिट सिट कोको, सिट सिट। देखो भाई मानता नहीं है आजकल, इतना सर चढ़ा रखा ना मम्मी आपने इसे मिलके। और क्या करना? ठंड नहीं लग रही है आपको? नहीं मेरे को अच्छी लग रही, ठंडी आवा ना भाई, बहुत ज्यादा ठंड है दोस्तों यहाँ पे, सच बताऊँ तो। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपको दिखाता हूँ मैं, वो देखो ऊपर दिख रही है आपको, बर्फ गिरी हुई है और अभी भी बारिश हो रही है ना, तो इस साइड भी गिर जाएगी। और सच बता रहा हूँ, मैंने हाफ बाजू वाली शर्ट पहनी है, उसमें भी ना भाई यहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि पूछो मत। और जब मैं आपको पता शादी देखने गया था, तब मैं ऐसे बोल रहा था कि भाई ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, उतनी गर्मी हो रही है भाई, गर्मी हो रही है, बट सब उल्टा पुल्टा हो गया। One hour later. टाइम दोस्तों लगभग 2:30 बजे का हो रहा है, लेकिन अभी तक भी बाहर ना मतलब बारिश कंटिन्यू चल रही है, तूफान पे तूफान आ रहे हैं। तो अभी फिर से एक बार भूख लगने लग गई है, सारे घर वाले यहीं बैठे हैं, तो मैंने कहा चलो इन लोगों के लिए मैगी बना देता हूँ। वैसे तो दोस्तों साउंड जो है ना बड़ी ऐसी सेटिस्फेक्शन वाले आती है जब भी आप ऐसे बारिश की सुनते हो, क्योंकि ऊपर स्लेट पड़े होते हैं ना, बट कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अभी मैं जस्ट अंदर मैगी बना रहा था, वो देखो इतनी बड़ी स्लेट जो है ना वो यहाँ से निकल के मतलब नीचे को पड़ी। हाँ एंड इस गली से आपको पता है अंदर रूम की तरफ मैं बहुत बार जाता रहता हूँ, तो सच बताऊँ तो 10 मिनट पहले भी गया था, और कहीं 10 मिनट पहले अगर मैं गया होता ऊपर से ये स्लेट गिरती तो आपको पता है काम जो ख़त्म भी हो सकता है सच में। तो थोड़ा बहुत रिस्की रहता है क्योंकि स्लेट के घर होते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सेफ चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तूफान आते नहीं, बट कभी कभार जब हवा बहुत तेज़ हो जाती है ना, तो स्लेटों वाले घर से अक्सर खतरा होता है स्लेट गिरने का। और चलो स्लेटों वाले घर का ये भी है कि यहाँ पे बारिश बर्फबारी मतलब हर जगह पे ये घर जो वो बचा जाते हैं, आपको पता है क्योंकि बर्फबारी में दूसरे लेंटर वगैरह जो वो फट जाते हैं, तो फायदा तो है लेकिन बीच बीच में नुकसान भी। तो मैगियां दोस्तों बनके यहाँ पे हो चुकी हैं रेडी, और इस तरफ बना रही है दीक्षु अपने लिए खीर, जो कि साथ साथ में मेरे की कुकिंग भी कर रही थी और हेल्प भी कर रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई
कोई बात नहीं हेल्प। अच्छा सच बताऊं दोस्तों, ये खीर भी मैंने इसके लिए बनाई है, और चेक करके बताना फिर, ठीक है? और अब मैगी को डाल दो बस खाली उसमें। बारिश दोस्तों इतनी जोरों से हो रही है ना, अगर सही बताऊं तो बाहर मैगी खाने का भी मजा आएगा। अभी मैगी भी अल्टीमेट बनी है, और बाहर अगर आप देखेंगे ना, जरा आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं। ओहो भाई हैवी रेन हो रही है पूरी की पूरी। कोको भी इंजॉय कर रहा है बारिश का। अपने दोस्तों बैठ बैठ के भी बोरिंग वाला काम होने आ रहा है प्रॉपरली, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मेरे को रजित भाई ने, आपको पता है ना, जो गिफ्ट दी थी उसको एक बार रीड कर लेता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवद गीता की। बट उससे पहले मेरे को पता है कि कुछ जो बैड हैबिट्स होती है, मतलब नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को पता है, नॉनवेज वगैरह, तो ठीक है कुछ टाइम के लिए नॉनवेज वगैरह जो क्विट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कितने चेंजेस जो वो मुझे मिलते हैं, और ऑल ओवर को क्या रिव्यू आता है वो मैं आपको साथ दिन ब दिन शेयर करता जाऊँगा, या फिर आप देख ही रहे हो तो आपको पता चल ही जाएगा। बिल्कुल प्यार 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 से उसको पढ़ेंगे। बट आज से फिलहाल क्या अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो मैं बंद कर रहा हूँ, जैसे नॉनवेज खाना, या फिर आप समझते हो ना जो भी होता है ड्रिंकिंग व्रिंकिंग, तो उन चीज़ों को फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी बस करते हैं शुरू, फिर देखते हैं क्या बनता है। समय की घड़ी दोस्तों चलते चलते 9:30 पे पहुंच गई है, एंड सही बताऊं आप लोगों को, अभी थोड़ा सा सैड फील होता है मेरे को डेली इस टाइम पे, क्योंकि रोज करोड़पति बनने की कोशिश करता हूं और रह जाता हूं। मैं ही नहीं, खाली अच्छू भाई भी, और साथ पे बड़े लोग जो टीम्स लगाते हैं ना, मतलब जीतने के लिए वो रह जाते हैं। फिलहाल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दीक्षु लगवा रही है मेहंदी। दीक्षु कौन सी खुशी में मेहंदी चल रही है, दिखाओ तो सही। ऐसे ही मैंने पिछले ना कम से कम 2 साल से मेहंदी नहीं लगाई, तो मतलब ऐसे जब शादी को लगाई थी तभी, उसके बाद ऐसे लगा रही हूँ बिना बात के मेहंदी। हाँ। अच्छा तो चलो, पता नहीं था मेरे को। और अपनी शू पू भी उठ गया। हेलो ओए, हेलो इधर देखो, कोई इंटरेस्ट नहीं इसका। हेलो देखने में मासी की तरह, सिर्फ खूबसूरत चीजें देखती है। तो हम भी खूबसूरत है, उसमें क्या है भाई, वो भाई को देख के तो रोने पड़ जाती है। हाँ, ये भी बात सच्ची है। मेरे को देख के नहीं रोती, वो थोड़ा ज्यादा दिन हो गया ना मेरे को इसको मिले हुए, तो इसको लगता है पता नहीं कौन सा अननोन पर्सन मेरे पास आ गया है। फिलहाल दोस्तों चलो अब जाके खाते हैं खाना। तो अभी ना दोस्तों मैं आपको इसके थोड़े ड्रामे दिखाता हूँ, देखो अभी कैसे ऐसे दिए, और देखना अभी रोने का मुंह भी एक मिनट में बना लेगी। क्या चल, कर दे शुरू, कर दे रोना, कर दे कर दे कर दे, बेइज्जती करवा रही है बाप की कैमरा, कर देगी देखना, ये देखना मुंह बनाएगी अभी देखना, ये कर दे बेटा, कर दे रोना शुरू, नहीं करना इसको, पता है कैमरा ऑन हो गया, कैमरा ऑन हो गया, इतनी देर तो रो रही थी, नहीं करना है, करेगी करेगी। नो 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 नो, शीपू शीपी शी, नो 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 नो, इबू नो इबू नो, नहीं रोते अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे नहीं रोते, अच्छे बच्चे नहीं रोते, नहीं रोते। क्लोज करके दिखाओ जरा, मुंह के रिएक्शन देखते रहो, ये देखो झूठा झूठा रोना, झूठा नहीं नहीं, नो नो नो, नहीं रोना है, नहीं रोना है, नहीं रोना ही नहीं है, नहीं रोना है, नहीं रोना है, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा फुल मूड में आ जाती है, बस इसको ऐसे हिलाओगे नहीं ना भाई, तो स्टार्ट करो ना, शिबू शिबू शिबू, देखो अभी हंसने के मूड पे आ गई, फिर से ट्राई। अच्छा हम कुछ नहीं करते, बातें करती मामा के साथ, इसको पता कितनी भूख लगी है अभी, तुम सोच भी नहीं सकते। चल कर दे शुरू अब। हो गया। इसको लास्ट मोमेंट पे भी रोक सकते हैं, जब ऐसे करती ना, देखना, ले 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 ले, शीपी शीपी शीपी। तो खाना पीना हो चुका है दोस्तों अभी कंप्लीट, एंड वापस से आ गया हूँ मैं बिस्तर में, एंड सोच रहा हूँ कि चलो आज के व्लॉग पे फैसले तो बहुत बहुत बड़े ले लिए, लेकिन आगे कब तक इन चीज़ों को अप्लाई कर पाता हूँ वो चीज़ मुझे नहीं पता है, इसलिए फुल टू फुल मेरा तो मतलब पूरा का पूरा फोकस रहेगा भगवद गीता पे, क्योंकि उसको पढ़ने का मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा अभी पढ़ भी रहा था तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। अब देखो इंसान गलतियों का पुतला होता है, बहुत सी बैड हैबिट्स भी उसमें होती है, इवन सब में होती है यार, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों को क्विट
करने की, बाकी क्या होता है क्या नहीं वो देखने को मिल जाएगा आगे। तो आई होप दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की डेट में ना सब्सक्राइबर जो है वो कम मतलब बढ़ते नहीं है, उल्टे कम होते जाते हैं पता नहीं क्यों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान कर आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।